प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत का मामला, तो थोड़ी देर में तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत पर फैसला आने वाला है। आनंद आध्या और संदीप की न्यायिक हिरासत में थोड़ी देर में फैसला, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों आरोपियों की कोर्ट में हुई पेशी, इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर प्रयागराज से, तो आनंद आध्या और संदीप की न्यायिक हिरासत में अब से कुछ ही देर में फैसला आने की उम्मीद। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों आरोपियों की कोर्ट में हुई पेशी। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में तीनों आरोपियों पर न्यायिक हिरासत पर फैसला आपसे कुछ ही देर में आने वाला है। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए, डिटेल्स लेने के लिए रुक करेंगे प्रयागराज से। संवाददाता मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद मोइन, आपसे जानना चाहेंगे, तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, क्या कितनी देर में फैसला आने की उम्मीद? जी बिल्कुल, आपको एक महत्वपूर्ण अपडेट दे दें कि अभी अभी फैसला आ गया है। तीनों की जो जुडिशियल कस्टडी रिमांड है, यानी न्यायिक हिरासत है, वो बढ़ा दी गई है। 2 हफ्ते यानी 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत तीनों की बढ़ा दी गई है। तीनों आरोपी आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी, तीनों की पेशी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। दोपहर के वक्त लंबी सुनवाई हुई, उसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और अभी अभी अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि तीनों को 12 नवंबर तक के लिए फिर से न्यायिक हिरासत में जेल में रखे जाने के आदेश दे दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण अपडेट है कि महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में जो गिरफ्तार तीनों आरोपी थे, आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी, तीनों की न्यायिक हिरासत की अवधि एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। तीनों को 2 हफ्ते तक जेल में रखे जाने के आदेश दिए गए हैं। तीनों 12 नवंबर तक जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे और ये आदेश प्रयागराज की CJM कोर्ट से आया है। एक और अहम अपडेट आपको दे दें कि आनंद गिरी, जो कि मुख्य आरोपी है, उन्होंने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की थी, उस पर आज सुनवाई नहीं हो पाई। इस अर्जी पर अब दीपावली के बाद सुनवाई होने की उम्मीद है। दीपावली के बाद 8 नवंबर से जो नया हफ्ता शुरू होगा, उस हफ्ते में आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि तीनों आरोपियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, उन पर कानूनी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और आज जो जांच एजेंसी CBI है, उसने अपनी जांच की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, वो सील बंद लिफाफे में गोपनीय रिपोर्ट, वो CJM कोर्ट में पेश की है और उसी आधार पर कोर्ट ने फैसला लिया है, तीनों की न्यायिक हिरासत 12 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है। जी बिल्कुल मोहम्मद मोइन, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी यहाँ पर। ये जो कोर्ट है, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत जो है वो बढ़ा दी, अब जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे तीनों आरोपी। और राहत नहीं मिली है यहाँ पर आनंद तिवारी को भी, उन्होंने भी जो बेल के लिए अर्जी लगाई थी, उस पर अब सुनवाई दीपावली के बाद होगी, यानी तीनों आरोपी फिलहाल जेल में ही रहेंगे। 14 दिन की न्यायिक हिरासत जो है वो कोर्ट ने बढ़ाई है और CBI ने जो अपनी जांच रिपोर्ट है वो भी बंद लिफाफे में कोर्ट में जमा कर दी है। आपसे ये जानना चाहेंगे, आज क्या दलीलें रखी गई कोर्ट में? देखिए, जो आरोपी थे उनकी तरफ से उनके वकील पेश हुए, उन्होंने कहा कि उन्हें जमानत देना चाहिए क्योंकि सीधे तौर पर उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इस मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है। महंत जी ने अपने सुसाइड नोट में क्यों उनके खिलाफ बातें लिखी, ये बात उनकी समझ से परे है। CBI ने अभी तक, 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया अब तक जो जांच की है, उसमें भी उनके खिलाफ सीधे तौर पर कोई एविडेंस CBI कलेक्ट नहीं कर पाई है। इस आधार पर आरोपियों की तरफ से दलील दी गई, जबकि जो अभियोजन पक्ष था, जो CBI से जुड़े हुए वकील थे, उन्होंने कहा कि नहीं, जांच चल रही है और जब तक इस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाती है, तब तक इन आरोपियों को जेल से छोड़ा जाना कतई उचित नहीं होगा। ये लोग जांच को प्रभावित कर सकते हैं, जो इस केस में गवाह हैं उनको प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इन्हें जेल में ही रहने दिया जाए, इन्हें न्यायिक हिरासत में ही रहने दिया जाए। तो जो CJM थे, जिनकी कोर्ट में सुनवाई हुई है प्रयागराज की CJM कोर्ट में, वो अभियोजन पक्ष की दलील से ज्यादा सहमत हुए और उन्होंने फिलहाल इन लोगों को छोड़े जाने पर कोई फैसला नहीं लिया, उस वो मांग रिजेक्ट कर दिया मोहम्मद मोइन, और तीनों आरोपियों की जुडिशियल कस्टडी रिमांड। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद मोइन इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सहयोगी मोहम्मद मोइन, प्रयागराज से बड़ी अपडेट हमें दे रहे थे। महंत नरेंद्र गिरी संदिग्ध मौत मामले में यहां पर न्यायिक हिरासत एक बार फिर से तीनों आरोपियों की बढ़ गई है। 12 नवंबर तक तीनों आरोपी अब न्यायिक हिरासत में रहेंगे।